गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ मुकुल यादव एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. ओके, सो बिफोर आई डिस्कस दिस टॉपिक, सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैड डन सो फार इन दिस टॉप इन दिस चैप्टर. सो एज यू ऑल नो दैट द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड टिल नाउ वी हैड कवर द लाइट रिफ्लेक्शन टॉपिक. Okay, so you had seen that in light reflection, we started with properties of light, right? Later on, we had seen that what is law of reflection, and afterwards, how the image is going to be formed in case of a plane mirror, what is spherical mirror, right? And how the image are going to be formed in case of spherical mirrors, and later on, we had seen that what is mirror formula and sign convention. ओके, सो विद दैट योर रिफ्लेक्शन पार्ट इज कंप्लीटेड. तो इस टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ. वन इज, सॉरी, जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर का जैसे कि नाम है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है हमारा वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लाइट रिफ्रैक्शन पार्ट. तो रिफ्रैक्शन पार्ट को हम समझने स्टार्ट करेंगे आज से. ओके, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होता है? तो ये जो चीज़ है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम रिफ्रैक्शन पार्ट को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. ओके, तो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट वट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. तो एटलीस्ट आपको पता तो चले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है. ओके, तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है, लाइट रेज है, वो कहाँ से अर्थ पर ट्रेवल करती है, सन से अर्थ तक ट्रेवल करती है, तो उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, राइट? तो जब लाइट रेज है वो आपको पता है उसको बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम के साथ भी ट्रेवल कर सकती है. ओके, तो होता क्या है कि हमारे जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी कुछ स्पेसिफिक स्पीड होती है. जैसे मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर कितनी होती है हमारी? 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है. यही होती है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, और एयर में भी यही सेम स्पीड होती है. ओके, लेकिन तब क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि हमारी लाइट रेज कभी पास कर रही है वाटर के थ्रू पास कर रही है, या फिर कोई और मीडियम आ गया जैसे ग्लास है, ग्लास के थ्रू पास कर रही है, या फिर आप मान लीजिए कि ऑयल के थ्रू पास कर रही है, तो वहां पे क्या आप बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ जो लाइट थी, जो वैक्यूम और एयर के अंदर ये वाली जो स्पीड है ये सेम ही रहेगी वहां पे भी? ऐसा नहीं होता है. अगर ये किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम और एयर को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, ग्लास हो गया, या कोई ऑयल हो गया, तो वहां पे हम नोटिस करते हैं एक चीज कि जो इसकी स्पीड है ना लाइट की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ओके, तो स्पीड ऑफ द लाइट इज गोइंग टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट मीडियम. ओके, तो किसी मीडियम में आपको जैसे वैक्यूम और एयर में तो फास्टेस्ट स्पीड रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, ऑयल के अंदर इसकी स्पीड क्या हो जाती है? इसकी रिड्यूस हो जाती है. ओके, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो समवट इसी से रिलेटेड है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा समवट लाइट की स्पीड से ही रिलेटेड टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सपोज कर लीजिए कि हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है कुछ किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर सी होती है, और कोई मीडियम है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? आपकी रिड्यूस हो जाएगी. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द It is the ratio of speed of light in vacuum or air. क्योंकि आपको पता है कि वैक्यूम और एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहती है. तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द
स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, तो ये होता है हमारा क्या, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मेरा वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर कुछ स्पीड है डिवाइडेड बाय जिस मीडियम का हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो मैं क्या बोल सकता हूं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं म्यू से. प्लीज ये सिर्फ इस टर्म को आप याद रखें कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, म्यू से. तो यहाँ पे किसी भी मीडियम का है तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, म्यू इंटू, यहाँ पे जैसे मैंने ये लगा दिया सबस्क्रिप्ट लगा दिया एम, तो इसका मतलब म्यू तो क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एम क्या है, मीडियम. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से हमेशा. याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से. टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम मीडियम, तो सपोज कर लीजिए कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम आपकी क्या है, वी है. जिस मीडियम का हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वहां उस मीडियम की का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, म्यू इंटू एम. ये क्या है, म्यू है आपका, म्यू, अगर आपको नहीं पता तो म्यू. ओके, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मैं कैसे लिख सकता हूं, म्यू इंटू एम. तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, तो ये तो मैं सी से रिप्रेजेंट किया. और जिस भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है उस मीडियम को, मेरे को उस मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट आपको पता होना चाहिए, तो वो हो जाएगा क्या आपका, सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम. तो यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं इसको. एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये याद रखना है. कोई भी आपसे पूछ सकता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम. ओके, जिसका हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. तो अभी मैंने आपसे पूछा कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का वो 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, सी अपॉन वी है. तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो वैक्यूम और एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हाईएस्ट होती है. ओके, तो जैसे ही किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी ना लाइट, तो हमेशा इसकी स्पीड रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है. ओके, तो हमेशा इसकी स्पीड घट जाती है जब किसी भी मीडियम के अंदर जाती है. तो इसका मतलब सी की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी, वी से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो मीडियम है, तो मीडियम के अंदर तो स्पीड इसकी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि म्यू ऑफ द मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये चीज आप बोल सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अभी इसी से ही रिलेटेड एक और टर्म होती है आपकी, दैट इज, ये क्या हो गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. दूसरी जो टर्म होती है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम. ओके, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लेट्स से ये तो मीडियम 1 है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम 2. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम 2. तो यहां पे हमारे जैसे दो मीडियम है, एक तो सपोज कर लीजिए कि मीडियम 1 है, दूसरा आपका सपोज कर लीजिए कि मीडियम 2 है. तो समटाइम
क्या आता है हमारे जैसे यूज होता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बताइए, ओके okay? या फिर आप क्या बता पूछ लेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम वन बता दीजिए, ठीक है? तो कुछ भी पूछ सकता है। तो सपोज कर लीजिए कि मेरे को निकालना क्या है, ये टू का विद रिस्पेक्ट टू वन निकालना है, टू का विद रिस्पेक्ट टू वन निकालना है आपका, ओके okay? तो आपको क्या निकालना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम वन, मीडियम टू का वन के हिसाब से आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये भी एक पर्टिकुलर टर्म ही होती है जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, मीडियम टू में आप मैंने दिखाया मीडियम टू के अंदर जो जो टर्म आपको दी हुई है वो आप लिख लेते हैं, ठीक है? तो सपोज कर लीजिए कि जो हमारा मीडियम टू है इसमें स्पीड ऑफ लाइट है वो आप अज्यूम कर लीजिए वो है वी टू, स्पीड ऑफ लाइट यहां से लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इन वी टू, ओके। दूसरा मीडियम क्या है मेरा, वन है, तो इसमें भी खुद जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कुछ डिफरेंट लाइट होगी, तो वो भी आप अज्यूम कर लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज, वो आप क्या बोलेंगे, वो आप अज्यूम कर लीजिए वो है आपका वेव, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ऊपर से रब कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अभी मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, तो आप बोलेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू क्या होगा, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, तो आप बोलेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसे, म्यू से, और टू सेकेंड वाले मीडियम में निकाला तो म्यू टू लिख दिया मैंने, दैट मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। तो आप बोलेंगे क्या होता है, वो हमेशा स्पीड ऑफ द लाइट सी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम टू हमने मान लिया रखा है वो क्या है, वी टू। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, तो वो आपका क्या आ जाएगा, म्यू वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, तो वो आपका हो जाएगा क्या, वी वन, ठीक है? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वन इज वी वन, तो सी बाई वी वन आ जाएगा, ओके। तो आपको मैंने क्या हमको निकालना क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम वन आपको निकालना है, ओके। तो हमने क्या जूम कर लिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू आपका दिया हुआ है क्या, वी टू, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वन इज वी वन, ओके। तो मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग निकाल सकता हूँ, मीडियम टू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा आपका, सी बाई वी टू, मीडियम वन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा आपका, सी बाई वी वन, ओके। आपको निकालना क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, तो ये टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो आपको निकालना क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ओके। तो अलग अलग से तो आपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल दिया, मीडियम टू का भी निकाल दिया आपने, मीडियम वन का भी निकाल दिया, लेकिन आपको निकालना क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लीजिए एक बार आप। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे म्यू टू लिख दिया तो इसका क्या मतलब है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ये म्यू वन लिख दिया यहाँ पे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, लेकिन आपने ऐसा लिख दिया म्यू टू वन, तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन,
ओके, तो ये हमेशा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई जिसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं, वो 1 के हिसाब से निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाल रहे हैं, वो आप इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा म्यू 2 बाई म्यू 1। ओके, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, तो मीडियम 2 का भी अलग से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मीडियम 1 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो आप विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाल रहे हैं यहां पे, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर म्यू 1 आपके डिवीजन में आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो तो हमेशा डिवीजन में आ जाएगा, तो आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं यहाँ पे, 1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे म्यू 1 क्या क्या जाएगा, इसके डिवीजन में आएगा। ओके, तो म्यू टू वन में क्या बोल सकता हूं, वो क्या आ जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ओके, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जिसके हिसाब से आप निकाल रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाल रहे हैं, तो वो आपके डिवीजन में आ जाएगा। म्यू 2 मैंने पूछा आपको क्या है, तो म्यू 2 आप बोलेंगे क्या आ जाएगा, सी बाई वी 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 मैंने पूछा क्या है आपका, तो वो आपका आ गया सी बाई वी 1। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी 1 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो वी 1 बाई वी 2। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या आ गया, वी 1 क्या थी आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और वी 2 क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी 1 बाई वी 2। ओके, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ओके, तो बेसिक चीजें आपको क्या याद रखनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोलेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, तो वो होता है क्या आपका म्यू, और म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, 1 से। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि स्पीड ऑफ लाइट अगर मेरी बहुत ज्यादा कम है, अगर स्पीड ऑफ लाइट आपकी रिड्यूस हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर वी की वैल्यू कम होगी, सी की वैल्यू सेम होने वाली है, अगर वी की वैल्यू आपकी कम है तो म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ही मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज गोइंग टू बी रिड्यूस, क्योंकि आपको पता है कि जो वी होता है वो क्या होता है, सी बाई म्यू, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन दैट मीडियम इज गोइंग टू बी रिड्यूस। ओके, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आपको क्या याद रखना है कि किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां उस मीडियम के अंदर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिस भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, म्यू की वैल्यू अगर कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी उस मीडियम के अंदर, ज्यादा होगी। ओके, तो ये चीज आपको बेसिक याद रखना है कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उस मीडियम में, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में कम है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, दूसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम, तो वो क्या होता है, म्यू टू वन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1। म्यू 2 आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किस मीडियम का है, स्ट्राइकिंग मीडियम का, तो सी बाई वी 2 लिख देंगे आप, और फर्स्ट मीडियम का क्या लिख देंगे, सी बाई वी 1 लिख देंगे आप म्यू 1 को, तो वो होता है आपका स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, वो नोट डाउन कर लीजिए आप, कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। इफ म्यू वैल्यू इज लेस देन स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मोर। ओके,
और समटाइम एक और टर्म यूज करते हैं, अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है, अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो उस मीडियम को क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, और अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो उस मीडियम को क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नोट डाउन करके आप लिख दीजिए इन दो पॉइंट्स को, इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाई देन then that medium is called optically denser medium. Okay, optically denser medium का क्या मतलब है कि उसका refractive index उस medium का ज्यादा है। Okay, अगर refractive index उस medium का ज्यादा है तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लेस, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम विल बी लेस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट होगी इस मीडियम क्या होगी आपकी, कम होगी। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लो, refractive index of a medium is low, then that medium is called optically rare medium, optically rare medium। ठीक है, इस मीडियम को हम क्या बोल देते हैं, ये मीडियम क्या होगा आपका, ऑप्टिकली रेयर होगा। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम विल बी हाई, ओके। तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है उसी के साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें दो टॉपिक पढ़े, एक तो किसी भी चीज़ का हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखा हमने, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरी स्पीड कम है किसी मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट कम है किसी मीडियम में, तो आपका क्या होता है, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हाई रहेगा, सी बाई वी होता है। ठीक है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर हाई होगा तो आप इंडक्टिव भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी आपकी, कम होगी। ओके, तो अगर आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसी मीडियम को हम बोल देते हैं क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मतलब कि जो मीडियम की जो डेंसिटी होगी, सॉरी जो ये जो लाइट की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी उस मीडियम के अंदर क्या होगी, कम होगी। ओके, एंड अगर आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू अगर आपकी स्मॉल है, छोटी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी हाई। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी हाई इफ द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर। ओके, ऑप्टिकली रेयर या फिर जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो उसी मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोल देते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है उस मीडियम के, वो क्या होती है आपकी, हाई होती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि किसी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन, तो उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू टू वन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस विल बी म्यू टू बाई म्यू वन। क्या ये इक्वल होता है किससे, म्यू टू बाई म्यू वन, रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू डिवाइडेड बाई रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। तो इसको हमने सोल्व किया फाइनली, तो हमका हमारा आंसर आ गया क्या, दिस इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। ओके, तो इतना ही है, अभी इसके अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है आपकी, कि
when a light goes from glass to water, okay, suppose कर लीजिए if refractive index of glass refractive index of glass is 3/2, ठीक है, अगर refractive index जो glass का दे रखा हो किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है, fine, speed of light in glass, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट बतानी है किसके अंदर, ग्लास के अंदर, तो आप क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, तो आपको पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, म्यू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, म्यू है, और यहां भी क्योंकि ग्लास का दे रखा है तो मैंने जी लगा दिया नीचे, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो आपको क्या दे रखा है, 3/2, आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू जी इज इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो उसको सपोज कर लीजिए कि मैं वी बोल रहा हूं यहां पे, ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू जी की वैल्यू आपको दी हुई कितनी, 3/2, दिस इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, तो v आपको फाइंड आउट करना है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2/3 × c, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, v को उस साइड लेके चला गया, तो c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ जाएगी आपकी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी आ जाएगी क्या, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके, तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, तो वो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है, तो ग्लास का तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 = c/v, v को मैंने उस साइड लिख के चला गया, ये आपका हो जाएगा 2/3 × c, ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली, ओके, सो लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम, दूसरी जो प्रॉब्लम दी हुई है आपको क्या दी हुई है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास क्वेश्चन है आपका क्या, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास ओके, ग्लास का आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 3/2 टू वाटर, तो कोई भी लाइट पास हो रही है ग्लास से वाटर का, और वाटर का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 4/3, ओके, आपको ये वैल्यू आप क्या भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ग्लास की 3/2, वाटर की कितनी होती है 4/3, व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, व्हाट इज द refractive index of water refractive index of water with respect to glass, okay, इसी क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि लाइट की जो वेलोसिटी है, जो लाइट की जो स्पीड है, वो ग्लास में ज्यादा रहेगी या वाटर में ज्यादा रहेगी, तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लास का आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो ये आपका है 3/2 1.5, या कितना आ रहा है 4/3, तो 1.13, राइट, तो 4/3 आपका कितना होता है 1.3 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा आपका कितना 1.5 के आसपास, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी, उतना ही मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा, तो ये जो ग्लास है ये ऑप्टिकली डेंसर होता है,
और जो वाटर है वो ऑप्टिकली रेयर होता है इन कंपेरिजन टू द ग्लास। ग्लास से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑप्टिकली रेयर हो गया और ये डेंस हो गया। तो यहाँ पे स्पीड आपकी लाइट क्या होती है, ग्लास के अंदर कम होती है और वाटर के अंदर ज्यादा होती है। ओके, तो ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के बेस पे बता दिया। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। ओके, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है म्यू जी 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी आपको दिया हुआ है, कितना है 4/3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपका ग्लास इस साइड आएगा, जैसे आप मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 1 जिसके रिस्पेक्ट में आ रहा है वो इस साइड आता है। तो इसी तरह से यहां पे क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का तो आपको फाइंड आउट करना, तो डब्ल्यू इस साइड लिख दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना, तो ग्लास को जो जी है वो मैंने किस साइड लिख दिया, उस साइड लिख दिया, इस साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, म्यू पे। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म होती है हमारी। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, म्यू टू वन, जैसे मैंने बताया था आपको, वो क्या होता है म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ये आएगा आपका क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है कितना है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी आपको दिया हुआ है दैट इज 3/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8/9। इसको आप सोल्व कीजिए और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 8/9 आंसर आ जाएगा। ओके, सो 1 मिनट। ओके, तो विद दैट योर लाइट सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कंप्लीटेड। तो आज मैं आपको एक प्रॉब्लम भी दे दूंगा और वो आप घर पे सोल्व कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड ही, और उसके बाद कल से हम स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।